तो जनाब हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स का आज डे नंबर 18 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं सी प्रोग्राम बनाते समय, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन रूल्स को आपने ध्यान से नहीं समझा तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो एक एक ऑपरेटर और एक एक रूल को बहुत ही अच्छे से रटा दूंगा मैं, इसकी मेरी गारंटी, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग अपने मैथ के अंदर भी बचपन से बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करना इतना कठिन नहीं है, बस उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम लोग मैथ में भी समझते थे और यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर भी समझेंगे, वो इंपॉर्टेंट होते हैं जनाब। तो वो रूल्स कुछ कठिन नहीं है, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो इनका यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कहाँ पर होता है। तो सिंपल सा अगर कोई भी पूछता है अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कहाँ है, तो आप कह सकते हो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ होता है कैलकुलेशन में, ठीक है। किसी भी तरीके की आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी जनाब, ठीक है। तो आपके कितने टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, तो अर्थमेटिक टाइप जितने भी होते हैं मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। यहाँ पर सबसे पहले आपका होता है प्लस, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई को हम लोग एज ए स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसके बाद में डिवाइड एंड मॉडुलस, ठीक है। तो आपका प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, आपका यहाँ पे डिवाइड होता है, और ये एक ऑपरेटर होता है, उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, या फिर बहुत लोग मॉड्यूलो भी बोलते हैं, मॉड्यूलर भी बोलते हैं, पर कुल मिला के मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये, आपको ये समझना है। इसमें परसेंटेज का साइन होता है, मतलब एक डंडा ऐसे है, ठीक है, और ये अगल बगल दो बिंदु लगी होती हैं, परसेंटेज का साइन होता है जनाब, ठीक। तो इतना यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ओके। अब जनाब क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके समझेंगे, पहले प्लस को, फिर माइनस को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर डिवाइड को, फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर को। सबसे पहले अगर हम लोग साइड में आए, साइड में आने पर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए इंट ए, और ये मत सोचो कि इसमें करके दिखा रहे हैं तो अभी कोड एडिटर पे नहीं करेंगे, कोड एडिटर पे भी करेंगे, पहले यहाँ पे आप समझो फिर वहाँ पे चलते हैं। इंट ए इक्वल टू 5, फिर इंट बी इक्वल टू 2, ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग वेरिएबल बना के करेंगे वहाँ पे। तो एक और बना लेते हैं इंट टोटल नाम से, ठीक है, जो कि हमारा खाली है, इसके अंदर कुछ भी है नहीं। तो सबसे पहले अगर एडिशन करना है तो हम लोग क्या ये कर सकते हैं कि टोटल लिखें, टोटल, और उसके बाद में लिखें इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए हमारा क्या है, 5, ठीक है, और यहाँ पे बी क्या है, 2। तो जब ए प्लस बी करेंगे तो जब वहाँ पे एक कंटेनर बनेगा इस तरीके का स्टोरेज, ठीक है, जो वेरिएबल है हमारा, तो एक डब्बा बना, डब्बे के अंदर हमारा जब 5 प्लस 2 हो गया तो 7 आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया इस मेमोरी के अंदर, मेमोरी का नाम है टोटल, ठीक है, टोटल नाम से मेमोरी बन रही है, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन रहा है, एक कंटेनर बन रहा है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग करें तो मान लो टोटल के अंदर हम लोग यहाँ पे इसको माइनस का निशान लगाएं और सब्ट्रैक्ट करा दें, तो 5 में 2 गए तो यहाँ पे आपके 3 बचे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टोटल नाम से एक कंटेनर बनेगा, अब यहाँ पे जब 5 में 2 घट जाएंगे तो 3 बचा। तो इस तरीके से ऑपरेशन हम लोग करते हैं, और ये तो आपको पता होगा ए और बी जो है आपका, जैसे कि कोई वैल्यू लिखी ए प्लस बी, तो ये मैंने आपको बताया था कि ए और बी आपके कहलाते हैं ऑपरेंड, क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड, ठीक है, ये भी आपका ऑपरेंड है, ओके। और ये जो आपका बीच में ये सिंबल है जो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, या फिर ये दिखा रहा है कि ये ए और बी क्या है, ए और बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो सिंबल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है या फिर ये बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है। जैसे कि आप प्लस लिखा है तो हम लोग देख के जान पा रहे हैं, अच्छा यहाँ पे दो वैल्यू को जोड़ा जा रहा है, तो ये जो है इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता रखा है, अब मैं आपको एक बार रिवीजन कराते चलता हूँ जिससे आपको याद रहे। तो जो वैल्यूज होते हैं उनको ऑपरेंड बोलते हैं, जो सिंबल होता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल लिखेंगे और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई में आपको स्टार का साइन यूज होना होता है, ठीक है। तो अगर 5 है ए और बी है 2, तो 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन बनेगी और उसमें हमारी 10 वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो जनाब ये आपको आई होप समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं टोटल, ठीक है, इक्वल टू, और अब हमारा क्या बचा, सिर्फ डिवाइड बचा, तो भैया डिवाइड भी करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो 5
और डिवाइड टू होगा, तो दो दूनी चार, दो बार जाएगा नीचे चार आएगा और शेषफल एक बचेगा, तो हमारा यहाँ पे भागफल जो होगा वो आ जाएगा दो दूनी चार, दो बार गया तो यहाँ पे दो आ जाएगा। ठीक, तो आपको अभी भी मैंने क्या समझाया, प्लस समझा दिया, माइनस समझा दिया, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बचा मॉड्यूलस ऑपरेटर। भैया ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, देखो कोई कठिन नहीं है, अगर समझने पे आप समझो तो कोई कठिन नहीं है सब चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं हेडिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। हम लोग बचपन से चीज़ें यूज़ करते आए हैं तो हम लोगों को काफ़ी सरल लगेंगे, क्योंकि इस पर प्लस माइनस ये तो हम लोग बचपन से कर रहे हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर करता क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमको देता है रिमाइंडर। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे वो बस इतने ही समझ के अच्छा रिमाइंडर देते, उनको पता रिमाइंडर क्या है, पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं साथ में पकड़ के चलूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं भी उन्हीं के बीच से आया हूँ, तो उनको अक्सर रिमाइंडर नहीं पता होता है, तो उनके लिए मैं बताता हूँ। मान लो पाँच मैंने लिखा, ओके बच्चों, और मैंने यहाँ पर दो से भाग दे दिया, तो जब दो से भाग दिया तो दो दूनी चार, यहाँ पर दो गया और यहाँ पे चार आया, यहाँ पे एक बचा। तो जो ये होता है यहाँ पर जो वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यहाँ पे डिवाइज़र, ठीक है, डी आई वी आई एस ओ आर, ठीक है, डिवाइज़र। ये जो वैल्यू होती है जो हम लोग डिवाइड करने पर निकलती है, तो ये आपकी क्या होती है, होती है भागफल, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भागफल, आप जानते होंगे, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोश्चेंट। तो क्यू क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, ओके। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो ये वाली वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ने 5 डिवाइड 2 लिखा तो यहाँ पे आंसर आया था 2, तो ये हम लोग ने लिख दिया। अब जनाब ये क्या चीज़ है, ये है आपका शेषफल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शेषफल, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रिमाइंडर, ओके। तो बच्चों जब हम लोग यहाँ पे 5 डिवाइड 2 करते हैं, सॉरी 5 मॉडुलस 2 करते हैं, तो वहाँ पर हमको मिलता है रिमाइंडर, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टोटल इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी, तो ए हमारी वैल्यू है 5 और बी वैल्यू है 2, तो यहाँ पर देखना साइड में बच्चों कुछ इस तरीके से हो रहा है 5 मॉडुलस 2, तो जब 2 का भाग 5 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर मॉडुलस में हम लोग शेषफल लिखते हैं, और जब हम लोग भाग करते हैं 5 डिवाइड 2 तो हम लोग जो यहाँ पर भागफल आता है वो लिखते हैं, तब यहाँ पर 2 होता, ठीक है। तो मॉडुलस में आपका शेषफल लिखा जाता है और भाग करने पर भागफल लिखा जाता है। तो ये कंटेनर और बनेगा बच्चों, यहाँ पर कंटेनर में अब आ जाएगा 1, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, जब a प्लस बी भया तो 5 और 2 जुड़ गए 7 हो गया, a माइनस बी हुआ तो 5 में 2 चला गया 3 बचा यहाँ पे हो गया, और उसके बाद में a आपका मल्टीप्लाई b, तो 5 दूनी 10 10 हो गया, फिर a डिवाइड बाय b, ठीक है, तो 5 भागी 2, तो हम लोग वहाँ पे जब 2 दूनी 4 दो बार गया, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका भागफल 2 आया है, तो 2 लिख दिया। फिर a मॉडुलस b, तो हम लोग का जब a मॉडुलस b लिखते हैं तो मान लो 5 मॉडुलस 2, तो 2 को हम लोग ने 2 दूनी 4 दो बार किया और 1 आंसर में आ गया। अब बहुत से बच्चे कहेंगे भैया इसको हम लोग आगे भी तो कर सकते हैं, मान लो हम लोग पॉइंट लगाएं, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 10 कर दें और 5 टाइम ले जाकर इसको काट दें। तो बच्चों कभी भी हम लोग इंटीजर में कभी भी जब भी वैल्यू लेते हैं उसको इंटीजर में लेते हैं, फ्लोट में नहीं लेते हैं। अगर आप इसको हमेशा फ्लोट में करके काट दोगे, मान लो पॉइंट लगाकर ये वैल्यू जा सकती है, 10 आएगा और 5 टाइम में जा सकती है, तो फिर हमारे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करने का मतलब मकसद क्या रहेगा। तब तो कभी भी हमेशा मॉडुलस ऑपरेटर में 0 ही आएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग भाग को 0 ले आते हैं शेषफल को करते करते, तो जब हमेशा 0 आ जाएगा तो फिर मॉडुलस करने का फ़ायदा क्या। तो हम लोग यहाँ पर इसको फ्लोट में नहीं ले जाते हैं, मतलब दशमलव नहीं लगाते हैं, जो डायरेक्ट आता है शेषफल, मान लो 5 में 4 गया 1 आया, अब इसको 1 को नहीं काटेंगे, 1 हमारी आखिरी वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, हमको पॉइंट नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो जो लास्ट वैल्यू आती है रिमाइंडर में शेषफल में, वही हमारी मॉडुलस की वैल्यू होती है। अभी इसको हम लोग जब यहाँ पर करेंगे कोड एडिटर के अंदर तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए हम लोग अब इसको करते हैं यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और 1 बाय 1 आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं इंट, और इंट ए इक्वल टू 5, तो मैंने कहा इंट ए इक्वल टू 5 और सेमी कॉलन लगा दिया, तो ए नाम का एक वेरिएबल बना जिसके अंदर 5 वैल्यू चली गई। फिर मैंने कहा इंट बी इक्वल टू
टू, ठीक है, सेम वही वैल्यू रख रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर एक वेरिएबल बनाएंगे टोटल नाम का, ठीक है, जिसके अंदर अभी हम लोग कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इंट टोटल नाम का एक वेरिएबल बन चुका है, ओके। अब क्या हो रहा बच्चों कि हम लोग यहाँ पर टोटल को लिखेंगे और टोटल के अंदर हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो टोटल के अंदर चली जाएगी, ओके। तो अब बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मेरे को तो दिख रहा है आपको दिखना चाहिए। और इसको करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जिससे ये अच्छे से लिख गया। तो आप समझो ये जो टोटल लिखा हुआ है ये आपका वेरिएबल नेम है, और वेरिएबल नेम हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है, और जो ऑपरेशन हो रहा होता है जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, a डिवाइड बी, जो भी आपकी एक्सप्रेशन होती है वो राइट में लिखा जाता है। ये मैंने कल के दिन आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो अब उन्होंने लिखा टोटल और हम लोग करेंगे a, और सबसे पहले प्लस करके देखेंगे a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस लगाएंगे प्लस बी, और सेमी कॉलन लगाना ना भूले क्योंकि ये टर्मिनेटर होता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों ने ये किया, ये करने के बाद में हम लोग इसको रन करते हैं। रन करने पे हमारा देखो आंसर आया 5। क्यों आंसर 5 आया, क्योंकि एक सेकंड, इसने 5 इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और ए हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ पे टोटल लिखना है, हमको ये देखना है टोटल के अंदर क्या वैल्यू आई है। आई होप आपको प्रिंटेप पता होगा क्योंकि मैंने प्रिंटेप पढ़ा रखा है। प्रिंटेप आपका एक फंक्शन होता है जो वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट कराने का काम करता है, ठीक है। हम लोगों ने परसेंट डी इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे सारी इंटीजर वैल्यू है, अगर कोई फ्लोट होती तो यहाँ पे परसेंट एफ यूज करते हैं, ओके। हम लोगों ने कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद आप उस वेरिएबल का नाम लिखें जिसके अंदर वैल्यू आप देखना चाहते हैं। लाइक हम लोग टोटल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है ये देखना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर टोटल लिखा। अब टोटल के अंदर वैल्यू कौन सी होगी, देखो ए प्लस बी हुआ होगा मतलब 5 + 2, और 7 जो आएगा वो टोटल के अंदर सेव हो जाएगा। रन करते हैं, रन करने पे आप देख सकते हो टर्मिनल पे, ये देखिए 7 आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब प्लस हटा कर माइनस कर लेते हैं बच्चों। तो इसी तरीके कोई यहाँ पे कठिन चीज़ होनी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका काम हो जाएगा। ये मैंने किया और अब मैं मैन्युअली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैन्युअली रन करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब माइनस हुआ तो 5 में 2 चले गए, 3 आया, और 3 को हम लोगों ने टोटल में स्टोर कराया था। तो टोटल को जो हम लोगों ने प्रिंटेप से कॉल किया, मतलब प्रिंटेप में देखा कि क्या पड़ा हुआ है, तो 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग भैया माइनस हो चुका है तो अब हम लोग मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। तो हम लोग ने मल्टीप्लाई किया और इसको हम लोग फिर से, मैं मैन्युअली रन करना पसंद करता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर मैन्युअली करूँगा। एक सेकेंड GCC रुकिए, ओके GCC first.c। मैनुअली करने में बच्चों फायदा ये रहता है कि कभी कभी आपका जो ऑटो रनर यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कराई है, कोड रनर एक्सटेंशन, वो कभी कभी गलती कर सकती है, पर मैनुअल टर्मिनल पे जब आप कमांड डाल के करते हो तो गलती कभी भी नहीं होती, ठीक है। फंक्शन मतलब आपका सही लिखा होगा पर कभी कभी एक्सटेंशन प्रॉब्लम करती है, इस वजह से मैं जनरली खुद से ही कमांड लिख कर उसको रन करता हूँ। तो अब देखो a मल्टीप्लाई b मतलब 5 × 10 आपका आंसर आ चुका है बच्चों। और अगर आपको ये टर्मिनल क्लियर करना होता है तो यहाँ पे एक कमांड लिख सकते हो cls मतलब क्लियर स्क्रीन, और एंटर करते ही आपकी स्क्रीन टर्मिनल की क्लियर हो जाएगी बच्चों। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो भैया यहाँ पर आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है, ठीक है। और इसको हम लोग रन करते हैं, रन करने के लिए, और आपकी जो अपर एरो वाली क्यू होती है कीबोर्ड के अंदर, उसको जब आप दबाएंगे तो आपकी पुरानी जो कमांड आप रन कर चुके हो वो यहाँ पर शो होने लगती है। तो ये शॉर्टकट हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 आया, 2 क्यों आया, जब 2 × 4 मतलब 2 बार जाएगा 4 आ जाएगा और आंसर में 1 आ जाएगा। तो हम लोग 2 बार ले गए थे, तो हम लोग हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं, जब भी भाग करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे भाग पर लिखते हैं, ठीक है। अब इसी का विपरीत होता है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर में क्या है, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे परसेंट का साइन, तो अब 5 modulo 2 हो जाएगा। तो अब क्या होएगा, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मतलब अब शेष फल आएगा। तो जब 2 बार जला जाएगा 4 आएगा नीचे, तो 1 आंसर में आएगा। भाग करना, भाग आप 2 लिखना और बीच में 5 लिखना, 2 × 4 करोगे 4 जाएगा तो 1 आंसर में आएगा। तो देखो मैं करता हूँ आपके सामने, ये एंटर किया, ये एंटर करने के बाद में ये एंटर किया, तो देखो 1 आंसर में आ गया। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो ये a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बी, a डिवाइड बी और a मॉडुलस बी इतना समझाया, इतना आपको क्लियर है इसका मतलब, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर के कुछ रूल्स को समझ लेते हैं जनाब। मॉडुलस ऑपरेटर में अपने में कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स को आपको हमेशा ध्यान में चला कर रखना है। जैसा कि जनाब हम लोग सबसे पहले रूल यहाँ पे 1 लिखने वाले हैं,
मेरे पास देखो टाइम आप दोगे तो आपको एक एक चीज़ आ जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ, बस मुझे टाइम चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतने अच्छे सिस्टम्स नहीं है। अगर आईपैड होता तो मैं काफ़ी तेज़ी पढ़ा सकता, पर यहाँ पर सेंसर वाला जो टैब होता है उसमें कभी कभी आगे पीछे चीज़ें होती हैं। देखो रूल नंबर वन ये कहता है कि मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है आपका, ठीक है, जो परसेंट वाला साइन है, तो मॉडुलस ऑपरेटर और यहाँ पे ऑपरेटर में एक टी है, गलती से ये लगा है, इसको हटा दो, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर इज नॉट वर्किंग इन फ्लोट वैल्यू, ठीक है। अब आई होप इतना तो आपको पता होगा कि फ्लोट वैल्यू क्या होती है, फ्लोट वैल्यू क्या होती है आपको पता है? तो फ्लोट वैल्यू अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो दशमलव में होती है, लाइक मैंने 5 लिखा तो ये इंटीजर वैल्यू है क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं लगा है, पर अगर इसी में 5.0 कर दें तो ये क्या होगा, ये एक आपकी फ्लोट वैल्यू हो गई, ठीक है, ये आपकी एक फ्लोट वैल्यू हो गई, ओके। तो जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो फ्लोट वैल्यू पे वर्क नहीं करेगा। अगर आप 5 ऐसे करते हो, ठीक है, 5 मॉडुलस 2 करते हो तो आप इस तरीके तो इसको हल कर सकते हो, 2 बार जाएगा 4 आंसर 1 आ जाएगा। पर अगर आप यहीं पे वैल्यू क्या करते हो, अगर 5.0 कर देते हो तब ये वर्क नहीं करेगा, जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो ये एरर शो कर देगा और आपका एरर आ जाएगा और आप उदास हो जाओगे बच्चों। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको मॉडुलस ऑपरेटर में कभी भी फ्लोट वैल्यू नहीं देनी है, मतलब दशमलव में पॉइंट में वैल्यू नहीं देनी है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ वर्क करता है। चलिए इतना क्लियर। अब रूल नंबर सेकंड समझते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा, रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि इफ ऑपरेंड इज नेगेटिव वैल्यू, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखना चाहूंगा जिससे थोड़ा सा जगह मिलेगी यहां पे। रूल नंबर टू, अगर ऑपरेंड क्या होता है आपको आई होप याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ऑपरेंड क्या होता है, नहीं याद होगा तो अभी मैं याद दिला दूंगा। इफ ऑपरेंड इज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, ऑपरेंड क्या है जो बच्चों, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे किया a प्लस बी, ठीक है, तो ये a b आपका ऑपरेंड होते हैं, ठीक है, और प्लस आपका ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके कर दें, मान लो int a इज इक्वल टू 5, ठीक, सेमी कॉलन, और int b इज इक्वल टू 2 और int टोटल, ठीक है, ये मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। अब सोचो यहाँ पे अगर मान लो पहले माइनस लगा होता 5 में, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं कि अगर हम लोग इस तरीके होता ये, क्योंकि मैं बार बार माइनस लगा कर, मान लो यहाँ पे अभी माइनस लगा है 5 में, ठीक है, तो हम लोग मान लो ये समझते हैं कि माइनस ए और मॉडुलस बी ये होगा, तो आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा ये बताओ। मान लो अगर माइनस ए है और यहाँ पर मॉडुलस बी है तो आंसर किस में आएगा, ठीक। और अगर एक सिचुएशन ये भी बनती है कि मान लो पहली वैल्यू है आपकी प्लस में, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपकी माइनस में, माइनस भी, तो अब आंसर क्या आएगा। एक सिचुएशन ये भी बनती है कि मान लो आपके क्या कहते हैं यहाँ पर तीनों हो, ठीक है, तीनों माइनस में हो, तीनों मतलब यहाँ पे ए और बी, ठीक है, अब क्या आएगा। तो ये आप मुझे बताओ बच्चों, आपको अगर पता हो, ऐसे पता तो नहीं होगा क्योंकि ये रूल है, मैं आपको पहले से ही अभी पढ़ाया नहीं हूँ, वैसे क्लियर आपको हो जाएगा। देखो ये समझो कि आपके पास जब भी कभी नेगेटिव वैल्यू हो तो आपको पहली वैल्यू देखनी, मतलब पहला ऑपरेंड देखना है, ठीक है, जैसे ए मॉडुलस बी है तो आपको पहला देखना है वैल्यू, पहला आपको ऑपरेंड देखना है। अगर पहला ऑपरेंड नेगेटिव है, जैसा कि इसमें क्या है, पहला ऑपरेंड नेगेटिव है, तो आपका जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी नेगेटिव में आएगा, मतलब -1 आएगा, ओके। अगर पहली वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में है, तो आपको सिर्फ पहली वैल्यू नजर देखनी है, अगर पहली वैल्यू प्लस में है तो आपका आंसर भी प्लस में आएगा। अगर दोनों निगेटिव है तब भी आपको सिर्फ पहली वैल्यू को देखना है, पहला अगर ऑपरेंड निगेटिव है तो आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो कभी भी अगर दो वैल्यू दी गई है, मान लो जैसे कि -5 + 2 दिया गया है, तो आपको पहली वैल्यू देखना, अगर पहली निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव आएगा। अगर मान लो पहला प्लस है और दूसरा निगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा निगेटिव मैं मॉडुलस कर लेता हूँ यहाँ पे, मान लो इस तरीके से, तो पहला अगर निगेटिव है तो रिजल्ट भी आपका निगेटिव आएगा, पहला अगर पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव तब भी रिजल्ट आपका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पहला वैल्यू जो है वो आपका पॉजिटिव है। अगर पहला वैल्यू भी निगेटिव है और दूसरा वैल्यू भी निगेटिव है तब भी आपका रिजल्ट निगेटिव आएगा। आपको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू मतलब फर्स्ट ऑपरेंड पे ध्यान देना है, अगर वो निगेटिव है तो रिजल्ट निगेटिव होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, ओके।
तो इस चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं। यहाँ पे दो रूल हमने पढ़े, पहला कि मॉडुलस ऑपरेटर इज नॉट वर्किंग इन फ्लोट वैल्यू विथ अ फ्लोट वैल्यू, ठीक है, इन नहीं लिखेगा, विन की बजाय यहाँ पे विथ लगेगा, ठीक है, विथ अ फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फ्लोट वैल्यू के साथ मॉडुलस ऑपरेटर वर्क नहीं करता है, ठीक। दूसरी बात कि आप अगर कोई निगेटिव वैल्यू है तो अगर पहला ऑपरेंड मतलब पहली वैल्यू निगेटिव है तो भी निगेटिव आंसर आएगा, अगर पहला वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे जैसे मॉडुलस लगा ए मॉडुलस बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो वैल्यू है ए तो उसको हम लोग निगेटिव बना देंगे। अब आंसर यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको किया रन, अब देखो क्या हुआ कि आंसर आया निगेटिव, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन बनाते हैं, दूसरी सिचुएशन हम लोग ने क्या की कि हम लोग ने बी वाले को निगेटिव बना दिया, ठीक है। तो ए मतलब पहला ऑपरेंड हमारा पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो क्या होगा, निगेटिव में आंसर आएगा। तो हम लोग करके देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, अगर निगेटिव में आ रहा है तो हमारा रूल फिर इसका मतलब काम नहीं कर रहा है, तो निगेटिव में आंसर नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पॉजिटिव में आया, क्यों पॉजिटिव में आया, क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव में, पहला ऑपरेंड अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो ये रूल तो सक्सेसफुली पता चल गया, दूसरा वाला कि जो भी पहली वैल्यू जैसी होगी पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में होगा, पहली वैल्यू निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव होगा। तो ये रूल तो क्लियर है। पहला वाला रूल चेक करते हैं, क्या फ्लोट वैल्यू के साथ हमारा मॉडुलस ऑपरेटर वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 जहाँ लिखा है वहाँ पे लिख देते हैं 5.0 करते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं। रन करने के बाद में अभी देखो इसने एक आंसर क्यों दे दिया, एक नहीं देना चाहिए जबकि, पर एक क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है और इंटीजर के साथ अगर हम लोग फ्लोट कर दें, जैसे यहाँ टोटल में जो आंसर आ रहा है इसको भी हम लोग फ्लोट कर दें, FLOT फ्लोट, और ऊपर इसको भी फ्लोट कर दें, ठीक है, FLOAT क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, और यहाँ पे परसेंट डी की बजाय परसेंट एफ कर दें क्योंकि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू जब आती है तो उसको परसेंट एफ से शो करते हैं। अब देखो इसने एरर दे दिया, क्या लिखा, इन फंक्शन मेन, ठीक है, एरर इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी मॉडुलस ऑपरेटर हैव फ्लोट वैल्यू एंड इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो आपकी जो फ्लोट वैल्यू है वो आपके मॉडुलस ऑपरेटर में मान्य नहीं होती है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है कि अगर आप कभी भी फ्लोट वैल्यू के साथ इंटीजर को मॉडुलस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो गलत है, आपको फ्लोट वैल्यू के साथ नहीं यूज़ करना है। चलिए तो यहाँ पे हमारा इतना क्लियर हो गया कि चलो मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा हमको किसके साथ यूज़ करने, इंटीजर वैल्यू के साथ, ना कि फ्लोट के साथ, ठीक है। इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ और रूल्स को यहाँ पे समझेंगे। देखो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रूल्स टफ भी होते जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही अपना ध्यान में रखना है हर चीज़, ठीक है। हम लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे आने के बाद में अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे एक स्पेशल चीज़, उसका नाम है यहाँ पे टाइप कन्वर्जन। भैया टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कन्वर्जन बेसिकली अगर हम लोग कहें तो, जैसे कि आपके पास दो टाइप की डेटा टाइप है, जैसे कि एक इंट है और दूसरा भी इंट है, अगर सेम टाइप के डेटा टाइप हैं तो आंसर में जब आप किसी चीज़ को मान लो कोई भी ऑपरेशन करते हो, लाइक आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, तो आपका आंसर में अगर दोनों वैल्यू इंटीजर हैं तो इंटीजर ही आएगा, और अगर डिफरेंट है एक इंटीजर एक फ्लोट है तो वो फ्लोट में आएगा। चलिए समझते हैं, अगर वैसे एक लाइन में बताएं तो अगर सेम ऑपरेटर है तो सेम वैल्यू आएगा, अगर डिफरेंट ऑपरेटर है डिफरेंट डेटा टाइप है तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। कहना क्या चाहते हो भैया, देखो समझो, अगर पहली वैल्यू इंटीजर है, ओके, और यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर लगाओ, मैं ऑपरेटर को ओपी से प्रदर्शित कर रहा हूँ यहाँ पे, चाहे आप मल्टीप्लाई लगा लो चाहे डिवाइड लगा लो, कोई सा भी लगा के देख लो, ठीक है, ओके, और दूसरी वैल्यू इंटीजर है, यहाँ पे आप चाहे प्लस लगाओ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी लगाओ, ठीक है, यहाँ पे अगर पहली वैल्यू इंटीजर है दूसरी वैल्यू भी इंटीजर है, ठीक है, ए मान लो इसको, इधर बी मान लो इसको, ठीक है, तो आपका आंसर में क्या आएगा, सी में मान लो आंसर आएगा आपका इंट, जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर में आएगा। अगर फर्स्ट वाली वैल्यू इंट है और सेकंड वाली वैल्यू फ्लोट है, सेकंड वाली वैल्यू क्या है, फ्लोट है, ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा, फ्लोट, क्यों, ये अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। अगर मान लो फर्स्ट वैल्यू फ्लोट है, फर्स्ट वैल्यू फ्लोट है और सेकेंड इंटीजर है, ठीक, तब भी आंसर में क्या आएगा, फ्लोट, ओके। थर्ड कंडीशन, अगर दोनों फ्लोट हैं तब क्या आएगा, जब मान लो दोनों फ्लोट हो, ए और बी दोनों,
तब भी आपका फ्लोट आएगा। कहोगे भाई ये तो चमत्कार है, मतलब एक को छोड़ के बाकी सब में फ्लोट आ रहा है। जी हाँ, जब ए वैल्यू और बी वैल्यू मतलब दोनों ऑपरेंड जितने होंगे, मतलब ए ऑपरेंड और बी ऑपरेंड दोनों वैल्यू अगर इंटीजर हैं, तभी उस कंडीशन में आपका इंट आएगा। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन है, जब दोनों ए और बी दोनों आपका इंटीजर हो तब आपका इंट आएगा, अन्यथा फ्लोट फ्लोट फ्लोट। अगर इन दोनों में से एक वैल्यू भी फ्लोट कर दी जाएगी तब वो फ्लोट आएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हो कि जब ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू मतलब ए और बी दोनों इंटीजर होंगे, वैल्यू ए और बी दोनों इंटीजर होगी तब इंटीजर आएगा। अगर उनमें से कोई भी एक फ्लोट है, चाहे बी वाली चाहे ए वाली चाहे दोनों, तो आपका फ्लोट ही आएगा। भैया ये होता क्यों है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसा कि अगर मान लो आपके पास एक 1.5 किलो का डब्बा है, ठीक है, 1.5 kg का डब्बा है, उसके अंदर कुछ सामान है, उस सामान को उठाकर आप 1 kg के डब्बे में डाल दो, कितने डाल दो 1 kg के अंदर, तो क्या जाएगा? जनरली आप जानते हो नहीं जाएगा, तो कोई समझदार व्यक्ति होगा तो अगर 1.5 किलो का डब्बा है उसका सामान रखना चाहेगा तो 1.5 किलो का ही डब्बा लेगा। उसी तरीके से साइड में आओ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंटीजर डेटा टाइप आपका लेता है 2 byte memory, ठीक है, कितना लेता है 2 byte memory, आपकी रैम के अंदर 2 byte की स्टोरेज लेगा, मतलब मान लो छोटा डब्बा बनाएगा, ठीक है। और वहीं पर आपका जो फ्लोट होता है, क्या होता है फ्लोट, वो लेता है 4 byte memory, ठीक है, तो वो क्या है, वो बड़ा डब्बा बनाता है, मतलब ज़्यादा जगह घेरता है। तो सी प्रोग्रामिंग जो आपका कंपाइलर होता है वो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी दिमाग लगाता है कि सोचो कि थोड़े मतलब एक डब्बे की चीज़ और एक बड़े डब्बे की चीज़ को जब आपस में मिलाया जाएगा तो सामान बढ़ेगा या घटेगा। मान लो एक छोटे डब्बे का सामान है, एक बड़े डब्बे का सामान है, तो जब दोनों सामान को मिलाएंगे तो डब्बा का और बढ़ेगा या घटेगा, तो जाहिर सी बात है कहोगे भैया बढ़ेगा। तो इसीलिए वो फ्लोट लेकर चलता है। मान लो दो छोटे डब्बे हैं इंटीजर इंटीजर, इनको मिलाओगे तो छोटे में आ जाएगा, पर सोचो एक छोटा डब्बा है और एक फ्लोट बड़ा डब्बा है, तो इन दोनों को मिलाओगे तो वैल्यू जाहिर सी बात है कि फ्लोट में ही आएगी। ठीक है, तो फ्लोट में भैया आएगी। ये दोनों अगर एक इधर बड़ा है इधर छोटा है तब भी बड़ा डब्बा चाहिए, दोनों बड़े हैं तब तो बड़ा चाहिए चाहिए। तो थोड़ा सा वो अपनी तरफ से दिमाग ये लगाता है कंपाइलर कि अच्छा अगर फ्लोट वैल्यू के साथ इंटीजर वैल्यू चाहे जुड़ रही हो, चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो, चाहे डिवाइड हो रही हो, अगर कुछ भी परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, चाहे आपकी वैल्यू जुड़ रही हो, ठीक है, चाहे वैल्यू ऐड हो रही हो, चाहे आपकी मल्टीप्लाई हो रही हो, चाहे डिवाइड हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर आपके इनमें से कोई से भी आपका ऑपरेशन हो रहा है तो जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में ही आएगा। और इसके लिए बड़ा डब्बा चाहिए, इसीलिए वो पहले से आपका बनाकर रखता है, ठीक है, इसीलिए वो पहले से ही फ्लोट डेटा टाइप को सोच कर रखता है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि मान लो एक वैल्यू है 2 और दूसरी वैल्यू है 2, क्योंकि इनके साथ कोई ये इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट होती तो पॉइंट लगा होता, तो ये 2+2 होगा, तो आंसर में भी मान लो आपका 4 आएगा, तो ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यू आई। पर अगर यहाँ पे 2+2.0 होता, ठीक है ये भी 2 पर 2.0 लगा हुआ है, तो अब आंसर क्या आएगा 4.0। ओके, इतना क्लियर है। अगर 2.0 प्लस इधर 2 होता तब भी तो आंसर उतना ही आता 4.0। अगर 2.0 प्लस 2.0 होता तब भी आंसर कितना आता 4.0 ही आता। तो सिर्फ एक कंडीशन है कि दोनों वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, अगर एक भी फ्लोट है तो क्या आएगा, फ्लोट वैल्यू आएगी। इतना क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। इसी को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। अगर कोई पूछता है टाइप कन्वर्जन क्या है, तो आप उसे बता सकते हो कि जब हमारे पास ऑपरेंड ए ऑपरेंड बी मतलब दोनों वैल्यू इंटीजर होंगी तब रिजल्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आएगा, इंटीजर डेटा टाइप में। अगर ए के अलावा बी के अलावा कोई भी मतलब इन दोनों में कोई भी अगर एक वैल्यू फ्लोट में है, फ्लोट डेटा टाइप में, तो रिजल्ट भी फ्लोट डेटा टाइप में आएगा। तो इससे यह पता चलता है कि जब हम लोग भाग कर रहे होते हैं, मान लो जैसे भाग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इस तरीके कराएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 2×2=4 इस तरीके आएगा, ठीक है, आंसर 1। तो ये क्या है, ये इंटीजर में कराया है, तो एग्जैक्ट आंसर इसको नहीं बोल सकते हैं। क्या एग्जैक्ट आंसर ये है? नहीं है। एग्जैक्ट आंसर क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्ट आंसर ये है कि 5.0 है मान लो आप अगर कराएंगे, तो अगर यहाँ पे देखें तो फ्लोट में अगर हम लोगों ने डेटा टाइप ले रखा है, तो मान लो यहाँ पे गया, एक आया, 0.0 आप लगा लेना, ठीक है, एक आया यहाँ पे, पॉइंट लगा, 10 हुआ और 2×5=10, 5 बार जाएगा और यहाँ पे 10 आकर इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा।
तो ये जो 2.5 आया है ये आपकी फ्लोट वैल्यू आई है। तो हम लोग को जब वेरिएबल बना रहे होंगे जिसमें ये वैल्यू रखेंगे तो उसको हमको फ्लोट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हो कंपाइलर से कि आपका जब भाग हो रहा हो तो जो भाग फल आए, ये जो भाग फल आए ये आपका एग्जैक्ट आए, तब आपको क्या करना है कि फ्लोट में डेटा टाइप बनाकर रखना है, क्योंकि आप जान रहे हो कि भाग फल में एग्जैक्ट फ्लोट में वैल्यू आनी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जब हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो हम लोग फ्लोट में यूज़ करेंगे। अगर आसपास चाहिए, मान लो कि आप चाहते हो कि ये 0.5 हटा दे, सिर्फ 2 से मेरा काम चल जाएगा, तो अब आप इंटीजर का यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हो, इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बना सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है इतने में? कोई डाउट हो अभी भी तो आप बिल्कुल बता सकते हो, बेझिझक, कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं जनाब, इतना आपको क्लियर हो चुका है, एक क्वेश्चन इसी का करके देखें, कोई कठिन नहीं है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा देखो, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर चलने के बाद में ये थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब इंटीजर ए के अंदर अगर हम लोग एक वैल्यू डालें 1.9999999, ठीक, ये वैल्यू डाल दी, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मतलब जब हम लोग प्रिंट कराएंगे ए को, मान लो हम लोग ने यहाँ कहा कि ए को प्रिंट कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा आप मुझे बताओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे को बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको कुछ नहीं, आपका ए के अंदर जो 0.999 है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते हैं राउंड फिगर में, जैसे कि 1.99 है तो उसको 2 लिख देगा, या तो दो ही सिचुएशन है इंटीजर में, या तो पूरा 2 लिख दो या तो 0.999 हटाकर सिर्फ 1 लिख दो। तो कभी भी इंटीजर ये नहीं करेगा कि 0.999 को 2 लिख देगा, ऐसा करेगा नहीं, वो सिर्फ 1 लिखेगा, बाकी के इधर जितने ये पॉइंट देख रहे हो ये 0.999 इसको हटा दिया जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 0.999 इसको हटा देगा, सिर्फ 1 को रखेगा, तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू इतनी हट जाएगी। ओके, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, रन करने पे यहाँ पे आंसर आएगा ओके परसेंट डी ओके, यहाँ पे एक सेमी कॉलन एक्स्ट्रा ये घुसा पड़ा हुआ है, इसको हटाओ ओके। अब रन करते हैं, रन करने पे देखो आंसर आया 1। आंसर 1 क्यों आया? क्योंकि उसने 0.999 हटा दिए। इंटीजर का आपका 2 बाइट स्टोरेज लेता है और 2 बाइट स्टोरेज में इतना डेटा वो रखेगा नहीं, वो कहेगा यार सबसे आसान तरीका है कि इधर के इतनी वैल्यू हटा दो और सिर्फ 1 रख लो। वो ये नहीं करेगा कि इसको घुमा कर 2 कर दे, वो आपके मैथ के एग्ज़ाम में होता था कि अगर सर 99 आ रहा है तो सीधे आप 2 नंबर देकर पास कर दो, मैथ के एग्ज़ाम में होता था, यहाँ नहीं होगा। यहाँ वो यही करेगा कि अच्छा ठीक है ये कर रहे हो तो सीधे हम करते हैं 999 को हटा देते हैं, 1 को रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ रहा है। इससे आपको ये पता चलता है कि जब आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मान लो पॉइंट में एग्जैक्ट आंसर मिलना है, तब आप यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप लिखें यहाँ पर, और यहाँ पर परसेंट डी की बजाय परसेंट एफ का यूज़ करें, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी को निस्म, मान लो यहाँ पे रिजल्ट में किसी चीज़ को ले रहे हो, जैसे मान लो टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाएं, उसके अंदर ये वैल्यू हम लोग ऐड कराकर या फिर भाग कराकर डिवाइड कराकर डालना चाहें, तो इसको टोटल को भी हम लोग यहाँ पे इंट की बजाय फ्लोट में बनाना होगा, क्योंकि इसके अंदर आने वाली जो डेटा है, आने वाली जो वैल्यू है वो तो फ्लोट में आएगी, हमें अंदाजा है कि ये वैल्यू फ्लोट में आएगी। जैसे कि करके दिखाते हैं, देखो टाइम आप दोगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा प्रोग्रामिंग में, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए, मान लो b बराबर 2 ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, और इसको हम लोग कराते हैं, इसको भी हम लोग हटा देते हैं कमेंट से, और यहाँ पे हम लोग करा देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मॉड्यूलस हटाएंगे थोड़ी देर के लिए, मान लो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कराया, अब क्या है कि a हमारी फ्लोट वैल्यू है, b हमारी इंटीजर वैल्यू है, तो हमको पता है कि फ्लोट और इंटीजर जब भी कभी आपस में मिलेंगे, चाहे मल्टीप्लाई में मिले चाहे एडिशन में मिले, वो आएगा रिजल्ट फ्लोट ही, क्योंकि अभी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर a वैल्यू आपकी मान लो फ्लोट है और b वैल्यू आपकी इंटीजर है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोट में रिजल्ट आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल बना रहे हैं इसको इंट डेटा टाइप के लिए नहीं बनाएंगे, इसको फ्लोट के लिए बनाएंगे। तो ये हटाया हम लोगों ने और ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया फ्लोट, क्योंकि हमको अंदाजा है, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट का मिलन आपका फ्लोट ही आएगा। चलिए भैया अब यहाँ पे ए हटाओ, यहाँ पे टोटल लिखते हैं TOTL, और अब देखना परसेंट डी की बजाय हम लोग परसेंट एफ करेंगे, क्योंकि रिजल्ट हमारा किस में आएगा, फ्लोट में, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप यूज़ है। भैया रन कर दिया,
रन करने के बाद देखो आया 2.000, ठीक है, क्योंकि राउंड फिगर में जब भी आप कभी निकालते हो तो 6 अंक दशमलव के बाद 6 अंक तक का जीरो लिख दिया जाता है। अगर देखो इंसान है तो इंसान तो इतना मेहनत नहीं करेगा, पर कंप्यूटर है तो राउंड फिगर में 6 पॉइंट के बाद 6 अंक तक लिख देता है, ठीक है। तो हम लोग इसको रन कराने की कोशिश करते हैं इसको डायरेक्ट, और आपके सामने स्क्रीन पे दिखाते हैं, देखो आया ठीक है 2.00। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू का मिलन हो रहा है। और एक चीज़ देख रहे हो आप, यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर के अंदर ये डेटा डाल रखा है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि फ्लोट में वैल्यू आएगी। इसको भी अगर फ्लोट बना दें कितना सही रहेगा, ठीक है, इसको भी बनाओ फ्लोट, क्योंकि हमको पता है ये फ्लोट के अंदर ही वैल्यू है। फ्लोट वेरिएबल बना दिया और इसको करते हैं रन, जीसीसी फर्स्ट डॉट सी, और ये लो अब क्या आया 4, ठीक है। ये क्यों गुणा में गलत आ रहा था? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर बनाता, हम क्या सोच रहे हैं भाग हो रहा है, जबकि यहाँ हो रहा है गुणा, और गुणे में तो 2 आएगा ना, जब ये मान लो ये 2, ठीक है, पूरा 999 को हम लोग 2 समझते हैं, और ये 2 तो टोटल कितना हुआ 4, 2 4। वही मैं सोचूं, पहले मुझको लग रहा था यहाँ भाग है, पर मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में तो वैल्यू 4 आनी चाहिए, तो 4 क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पे तो 2 आ रही है। तो 2 इसी कारण से आ रही थी क्योंकि यहाँ पर वो 0.99 को हटा दे रहा था, और 2 1 2 इसलिए 2 आ रहा था, ठीक है। और फ्लोट में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्लोट हम लोग यूज़ कर रखे थे। तो यहाँ पर जैसे मैंने इंट हटाकर फ्लोट बनाया, तो ये क्या हुआ कि इसको उसने 2 समझा, कंपाइलर ने इसको 2 समझा, और करा 2 2 4, और चूंकि ये फ्लोट है तो यहाँ पे 4.000 प्रिंट करा दिया, ओके। और जब अगर यहाँ पे अगर हम लोग इंट कर देंगे, देखो फिर से करके दिखा, तो यहाँ कर देंगे इंट, तो अब कंपाइलर क्या समझेगा, ये 0.99 हटा देगा, ये समझेगा इसको 1 1 और 2, तो 2 1 2 करेगा, 2 आ जाएगा, 0.00 इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पर जिसमें स्टोर करा रहे हो वो फ्लोट के अंदर है, ठीक है। तो ये देखो इसने क्या कंपाइलर ने बताया, ओके ठीक है, ओके। इसको हम लोग डायरेक्टली रन कराते हैं, क्योंकि भैया देखो इसका कोई भरोसा नहीं है, मैं कभी भी इस पर भरोसा नहीं करता हूँ, मेरा कोड सही होगा वो अपने आप से कुछ बना लेता है, देखो सही है, ठीक है, मैंने कोई चेंजमेंट नहीं करी, पर कंपाइलर अपने आप, सॉरी कंपाइलर नहीं, ये इंस्टेंशन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोड रनर इंस्टॉल इंस्टेंशन है हमारे पास कोड रनर, वो गड़बड़ी कर रही है। और ये इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि शायद वाईफाई के जरिए, ओके यहाँ पर है सी में कि ये कोड रनर, ओके कोड रनर इंस्टेंशन ये जो है, इस पर आप पूरा भरोसा कभी ना करें, ये कभी कभी अपने मर्जी से एरर थ्रो करता है जबकि आपके एरर नहीं होगा प्रोग्राम में। तो आप इसको यूज़ करने के लिए कर सकते हैं, पर विश्वास अपने प्रोग्राम पर रखें, आपका प्रोग्राम सही होता है 90% केस में। तो अब देखो इसने किया क्या, इसको 2 लिया, इसको 1 रखा, और 2 1 2 करके सीधे यहाँ पर ले आया। चलो भैया इतना क्लियर है, यहाँ तक इतना समझ चुके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पर अटके नहीं रहना है हम लोगों को, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। भैया ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब आप ये मान के चलो कि आपको अपना 90% फोकस या फिर 100% फोकस यहाँ पर देना है, ठीक है, जहाँ पे भी अगर ध्यान हो तो बिल्कुल यहाँ पे लगा लो, क्योंकि अगर आप ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो, खासकर अर्थमेटिक ऑपरेटर का, और अगर प्रेसिडेंस के बारे में नहीं समझे तो समझ लो सारा गुड़गोबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर समझे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या, तो एग्जांपल में हम लोग लें, तो हम लोग ने मैथ में एक चीज़ पढ़ी थी बॉड मास, ठीक है, क्या पढ़ा था बॉड मास, बहुत से लोग इसको बदमाश बोलते थे, पर बॉड मास, बॉड मास का फुल फॉर्म क्या, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। इससे पता क्या चलता था कि मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखी गई है जैसे 2 + 3 × 5, तो हम लोग पहले इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, तो इस हिसाब से पता चलता था, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन करेंगे, ठीक है, ये पता चलता था। सेम उसी तरीके यहाँ पे ऑपरेटर के अंदर प्रेसिडेंस दी जाती है। प्रेसिडेंस होती क्या है, प्रेसिडेंस मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्रायोरिटी होती है, कि पहले कौन सा ऑपरेटर आएगा, फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेटर आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा। तो मैं इधर एक आपको बॉक्स बनाकर यहाँ पर लिख देता हूँ, और आप इसको कहीं नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या क्या आता है, प्रायोरिटी, सबको सबसे पहले किन ऑपरेटर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, आपका मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस को सबसे ज़्यादा, मतलब सेम प्रायोरिटी मिलती है, ये तीनों हैं तो समझ लो सेम प्रायोरिटी है इनके पास, सेम पावर है, ठीक है। उनसे कम किसको मिलती है, उनसे कम मिलती है आपके प्लस को एंड माइनस को।
फिर उससे कम किसको मिलती है, असाइनमेंट ऑपरेटर इस कॉल को। और इसको कम इसलिए मिलती है क्योंकि इसका काम सिर्फ इतना होता है राइट साइड की वैल्यू को उठाओ और इधर लेफ्ट साइड में वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो, ठीक है। तो इसका कोई यहाँ पे खास यूज नहीं है, पर यहाँ पे देखो आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये तीनों सेम प्रायोरिटी के होते हैं और प्लस माइनस सेम प्रायोरिटी के होते हैं, पर इनसे ये कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिखूँ सीधे, अगर एक लाइन में बोले प्रेसिडेंस क्या है, तो बोल सकते हो प्रायोरिटी के ऑर्डर को प्रेसिडेंस बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रायोरिटी के ऑर्डर को, प्रायोरिटी ऑर्डर को प्रेसिडेंस कहते हैं। ओके, इतना लिख दिया। अगर कोई पूछता है आपसे इसकी डेफिनेशन तो आप ये बता सकते हो 100% सही है, ठीक है। अब समझो जनाब कि मान लो मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 5 प्लस आपका 2 फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साइन ये आपका स्टार बनता है, मैंने बताया था। अब थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, जल्दी में ये ना करें कि गुड़ गोबर इसको करें, चीज़ें जितना साफ होंगी उतनी अच्छा लगेगा। 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा, एक तरफ से अगर आप ये सोचें कि 5 प्लस 2 कर दें तो भैया 10 हो गया, और 10 इंटू 10 कर दें, मान लो 10 इंटू 10 कर दिया तो क्या आंसर आएगा, 100 आ जाएगा। तो 5 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे गुणा नहीं लगा है, 5 प्लस 2 मान लो 7, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 इंटू 10 मान लो यहाँ पे 70 आ गया, 70, ठीक है। और एक ये होता तरीका कि मान लो 10 गुणे 2, तो 10 गुणे 2 कितना हो गया, 10 दुनी 20 और 20 प्लस 25। तो आप ये भी कर सकते हो कि मान लो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं 10 इंटू 2 प्लस 5, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, कितना आया 25। तो क्या ये 70 आंसर सही है या 25 आंसर सही है, कौन सा सही है, तो हमको ये बात नहीं मालूम है। अभी मैं नहीं जानता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं जनाब, ये पता कैसे लगाया जा सकता है, तो ये जो रूल मैं बता रहा हूँ प्रेसिडेंस का, ये इसीलिए बताया जा रहा है। किस लिए बताया जा रहा है, कि आपको पता चले कि जब कभी ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हो तो पहले किसको सॉल्व करना है। तो भैया बगल में चार्ट दिया हुआ है, चार्ट को देखो, सबसे पहले चार्ट में क्या लिखा हुआ है कि ये ऊपर के मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस को सेम प्रायोरिटी मिलती है, फिर प्लस माइनस को, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ, प्लस में और मल्टीप्लाई में, तो भैया मल्टीप्लाई ज़्यादा पावरफुल है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो पहले हम लोग 10 इंटू 2 करेंगे, तो भैया 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 10 दुनी 20, हाँ या ना। फिर एडिशन करेंगे तो 5 और प्लस 20, अब कितना हुआ 25। ओके, तो ये था ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जब हमारे पास डबल ऑपरेटर यूज हो, एक ही एक्सप्रेशन के अंदर डबल ऑपरेटर यूज हो, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई की ज़्यादा है या फिर एडिशन की ज़्यादा है। तो आपको पता होगा कि भैया मल्टीप्लाई की ज़्यादा है तो हम लोग मल्टीप्लाई पहले कर देंगे, ठीक है। वहीं अगर डिवाइड होता तब भी डिवाइड की ज़्यादा होती है एडिशन से, इस तरीके से है। पर अगर मान लो मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और लिखूँ, उस एक्सप्रेशन में मैं लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 3, फिर मैं लिखूँ मल्टीप्लाई 5, ठीक। अब इसका क्या आंसर आएगा, आप पहले क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम प्रायोरिटी के हैं, ठीक है, दोनों टॉप पे हैं। मतलब आपका दो, यहाँ पे दो नेताजी आए हैं और दोनों के पास सेम ताकत है, दो व्यक्ति हैं राम एंड श्याम, दोनों के पास सेम ताकत है, आपके मल्टीप्लाई के पास भी और आपके पास डिवाइड के पास भी। तो भैया पहले किसको करोगे, यहाँ पर आपका रूल आता है किसका, यहाँ पर रूल आता है एसोसिएटिविटी का रूल, ठीक है, एसोसिएटिविटी का रूल आता है। ये क्या है भैया, ये नाम क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, ये इसको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको एक दो बार पढ़ लें, कोई ज़रूरी नहीं याद करने का, बस आप दिमाग में रखें कि ऐसा कोई रूल होता है, ठीक है। आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि ऐसा कोई रूल होता है, एसोसिएटिविटी का कोई रूल होता है। भैया ये रूल कब काम करता है, जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर सामने हो। जैसा कि मान लो यहाँ पर हमारा लिखा 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद मैंने वही सेम एक्सप्रेशन लिखी 6 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो ये मैंने सेम लिख दिया। अब भैया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो क्या सकता है, सोचने वाली बात है। तो हम लोग यहाँ पर एक रूल लेते हैं लेफ्ट टू राइट का, इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट रूल। जब सेम प्रायोरिटी के दो ऑपरेटर हों, सेम प्रायोरिटी के
तब हम लोग ये रूल लेते हैं लेफ्ट टू राइट का। तो यहाँ पर भैया मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, ठीक है, दोनों के पास सेम पावर है। तो अब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 6, ओके, ये हम लोग कर लिए। उसको करने के बाद में हम लोग एक बड़ा ब्रैकेट बनाएं और फिर हम लोग इसको कर देंगे 3 से डिवाइड। तो मान लो 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, ठीक, और फिर 4 आया, तो 4 को हम लोगों ने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, 20, हाँ या ना। देखो 6 दूनी 12 को हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, आंसर कितना आएगा, 4, आंसर कितना आएगा, 4, ठीक है, आंसर में आया 4, और 4 को हम लोगों ने 5 से फिर मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया, 20। तो इसी तरीके होता है कि पहले आपको ये देखना होता है कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, आपकी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम है या फिर ऊपर नीचे है। तो आपने देखा, अच्छा मल्टीप्लाई और आपकी डिवाइड की प्रायोरिटी सेम है, तो आपने उसको इस तरीके से किया लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट टू राइट रूल लगा दिया, जिसको एसोसिएटिविटी रूल कहते हैं, ठीक है, एसोसिएटिविटी रूल कहते हैं। ये टी हमको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ओके, तो यहाँ पे हो सकता है टी, पता नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, हाँ शायद टी लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट में जो ऑपरेटर आया, मान लो मल्टीप्लाई आया, तो पहले हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे, फिर हमारा डिवाइड आया तो हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे, देन हमारा फिर मल्टीप्लाई आया तो फिर उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जब सेम प्रेसिडेंस हो तब ये काम करते हैं, तो भैया करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद इतना सब हटाते हैं, इतना सब हटाने के बाद में टोटल की जगह कर देते हैं ए, और सबसे पहले हम लोग वहाँ पे वल एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हम लोग ने सिर्फ प्रेसिडेंस के उसमें देखी थी, मतलब इसमें क्या है, इसमें एसोसिएटिव रूल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें प्लस ऑलरेडी यार आपका कमज़ोर है, देख सकते हो प्लस नीचे है तो प्लस ऑलरेडी कमज़ोर है, और मल्टीप्लाई ऑलरेडी आपका पावरफुल है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका डायरेक्ट हो जाएगा प्रेसिडेंस के हिसाब से। तो ये वाला पहले करके देखते हैं, 5 + 2 × 10, तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद 5 आपका प्लस 2 और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा स्टार में बाय 10, और हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं रन, परसेंट एफ तो हटा दे पहले, इसको परसेंट डी कर दिया, और टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल खोलेंगे, न्यू टर्मिनल खोलने के बाद में इसको एंटर दबाएंगे, इसको एंटर दबाएंगे, कितना आया, 25, ओके, हम लोग का कितना आ रहा था, 25, तो क्या हम लोग गलत थे, नहीं हम लोग सही थे। हम लोग ने किया कैसे था, हम लोग ने प्रेसिडेंस लगाई थी, हम लोग ने ये देखा था कि प्लस बड़ा है या फिर मल्टीप्लाई बड़ा है, तो हम लोग को पता चला अच्छा भैया मल्टीप्लाई बड़ा है, प्लस की पावर कम है, प्लस की प्रायोरिटी कम है, तो हम लोग ने 25 आंसर निकाल लिया था। इसी तरीके से हम लोग ने जो दूसरा एक्सप्रेशन करा है, इसमें क्या है, इसमें एसोसिएटिविटी रूल लगा है, ठीक है। तो इसमें जनाब आप देखो कि पहले हम लोग ने लिखा 2 यहाँ पे आते हैं सीधे, कुछ चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन करने की मेरी बचपन से मतलब बीमारी, वो जब आप रेगुलर किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं तो वो आपका थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है जबान, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, तो स्टार लगाएंगे, हाँ या ना, फिर हमारा क्या था 6, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर यहाँ पे था हमारा यहाँ पे डिवाइड 3, फिर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर कितना था, मुझे याद करता हूँ 5, यही तो ठीक, चेक कर लेते हैं, 2 × 6/3, 5, ओके ओके। अब इसको रन करके देखते हैं, तो रन करने पे क्या है, कमांड रन करेंगे, आई होप कमांड तो आपको आती होंगी, gcc first.c, मतलब पहले फाइल का नाम डाला gcc लगाकर, फिर .a.exe, अब देखो आया 20, जो हम लोग का आंसर आया था 20, इसी वजह से आया कि इसने यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल का यूज़ किया कंपाइलर ने, पहले लेफ्ट टू राइट गया, तो लेफ्ट में 6 दूनी 12 किया, फिर 12 को 3 से भाग दिया तो 4 बार गया, फिर 5 चौक 20, ठीक है, आपको आंसर आ चुका है बिल्कुल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे ये रूल क्या है, ये रूल जब लगाते हैं जब ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंस हो, मतलब सेम प्रायोरिटी हो, मतलब मल्टीप्लाई की भी सेम प्रायोरिटी है और डिवाइड की भी सेम प्रायोरिटी है, ठीक है, तब आपके यहाँ पर ये रूल लग जाता है। तब ऐसे सिचुएशन में आपको कहाँ जाना होता है, आपको लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ जाना होता है, ऐसे लेफ्ट टू राइट जाओगे और जो पहले पड़ेगा, अगर पहले आपका
मल्टीप्लाई पड़ रहा है मतलब गुणा पड़ रहा है तो वो कर दो, नहीं तो अगर आपको पहले मल्टीप्लाई पड़ रहा है तो वो कर दो, नहीं तो डिवाइड कर दो, ठीक है। आगे चलते जाओ, और आपका ये एसोसिएटिव रूल जब ही लगेगा जब सेम प्रायोरिटी होगी। ऐसा नहीं है कि प्लस लगा है और मल्टीप्लाई लगा है, तो ऐसे में आपका पहले ये होगा क्योंकि आप जानते हो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। ओके, चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। कुछ सवाल करने, मैंने आपसे कहा था कि कुछ सवाल करने से क्या हम लोग का माइंड खुलेगा तो हम लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले सवाल को हम लोग यहाँ पे बोर्ड के अंदर हल कर लेंगे, देन हम लोग कोड एडिटर पे चलेंगे, वहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, सी, चार सवाल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, छोटे छोटे से हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है 6 × 3 -3 / कितना होगा 2, ठीक है। एक सवाल और है हमारे पास, पहले इसको हल करते हैं। तो भैया यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा एसोसिएटिव रूल लगेगा या नहीं लगेगा मुझे बताओ, सोच के बताओ। नहीं लगेगा भाई मेरे, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भी? क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी भैया ज़्यादा है ऑलरेडी, ठीक है। गुणे की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अभी पिछले चार्ट में आपने देखा कि देखो गुणा ऊपर था, मैं यहाँ पे और पीछे ले चलता हूँ, गुणे की प्रायोरिटी देखो ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग जब माइनस है और गुणा है तो सबसे पहले गुणा ही करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 36 / 18 भैया, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए 18। फिर यहाँ पे क्या माइनस करेंगे? नहीं, माइनस का साइन लगाएंगे, अब इधर आएंगे 3 × 6, ठीक है। अब भैया यहाँ पर कर देंगे तो आपका 18 - 6 जब होगा तो इक्वल में आएगा 12, ठीक है। क्योंकि 12 में अगर आप 6 जोड़ते हो तो आपका कितना होगा 18, ठीक है। तो आप इस तरीके करो कि सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक, फिर इधर मल्टीप्लाई करो, फिर जो वैल्यू है उनको माइनस में कर दो, ठीक है। ये भी हम लोग करके देखेंगे अभी। उसके बाद में एक वैल्यू दी गई है, मान लो 6 × 2, ठीक है, डिवाइड 2 × 3, ठीक। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है कि मान लो इसमें रूल लगेगा आपका एसोसिएटिविटी का। कैसे लगेगा? कि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है, हाँ या ना, और डिवाइड भी दिया है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई की सेम प्रायोरिटी होती, तो पहले कौन सा होगा? तो पहले होगा एसोसिएटिविटी रूल के हिसाब से। तो हम लोग 6 × 2 करेंगे तो 12, और 12 को 2 से करेंगे तो 6, और 6 × 3 करेंगे तो 18। करके देखते हैं। मान लो सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग 6 × 2 किए तो 12 आया, फिर 12 को 2 से भाग किया तो कितना आया, 6 आया, ठीक है। और 6 को हम लोग 3 से गुणा कर दिए तो क्या आंसर आया, 18 आया, 36 / 18। बहुत ही हिंदी में समझाता हूँ, आई होप आपको समझ में आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में एक हमारे पास थोड़ा सा और आपको कठिन देता हूँ। कठिन क्या है, मतलब ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। 6 × फिर ब्रैकेट में 3 / 3 फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई, फिर हम लोग कर देंगे 2। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा, समझना क्या है कि ये सेम बॉडमास की तरीके होगा। बॉडमास जो लिखा होता है, मान लो मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखूँ BODMAS, तो जो पहला वर्ड होता है उसको ही बोलते हैं ब्रैकेट, ठीक है। तो कहीं ब्रैकेट आ जाता है तो पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद में बाकी ऑपरेटर सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट लग गया है, ठीक है, 3 / 3 ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले अब हम लोग यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल भी नहीं लगाएंगे, प्रेसिडेंस तो देखो यहाँ पे आपकी डिवाइड की और मल्टीप्लाई की समान है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, एसोसिएटिविटी रूल लगा सकते थे, पर यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। जब कहीं ब्रैकेट लग जाता है तो आप एसोसिएटिविटी रूल ना लगाइए, पहले आप उस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, देन बाकी के एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट भैया लगा हुआ है तो 3 / 3 पहले करेंगे। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं लिखूं 6 × अगर 3 को 3 से डिवाइड करोगे एक बार में चला जाएगा, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूं 2। तो अब अगर हम लोग देखें तो 6 × 6 = 12, हाँ या ना, तो एक डब्बा बनेगा उसके अंदर आ जाएगी वैल्यू 12, हाँ या ना, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो जाएगा भैया। एक लास्ट और बची है, उसको भी जान लो, फिर चलते हैं, आपको भी जाने देते हैं, हम भी जाते हैं। बहुत लंबा आपको आज लेक्चर पढ़ा दिया है, पर सही में यार अर्थमेटिक ऑपरेटर मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं इसको कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहता था कि आपको बाद में मेरे से क्वेश्चन करने का मौका मिले कि भैया आपने अच्छे से नहीं समझाया, ठीक है। ये एक और एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले देखो प्रेसिडेंस किसकी हाई है। तो भैया प्रेसिडेंस हाई है हमारी मल्टीप्लाई की और डिवाइड की।
तो जब डिवाइड और मल्टीप्लाई की हाई है तो हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट रूल जाएंगे क्योंकि एसोसिएटिविटी रूल लगाएंगे। तो जब एसोसिएटिविटी रूल लग जाएगा जनाब, तो यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि जब हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, मान लो 4 लिखें, 4 लिखने के बाद में मान लो हम लोग प्लस का साइन बना दिए और एक ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के अंदर 3/3 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, गुणा 2, इस तरीके कर दिया। इसको करने के बाद में मान लो ये आया 1, तो 1 × 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 4 6 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, मैं समझा भी देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंस किसकी हाई है, तो हमने देखा कि भैया प्लस की प्रेसिडेंस बहुत लो है, यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई प्रेसिडेंस बड़ी है पर दोनों बराबर है। ठीक है, जब दोनों बराबर है तो एसोसिएटिविटी रूल उठाया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट तो लगा नहीं है जो पहले करेंगे, तो एसोसिएटिविटी रूल ने कहा भैया लेफ्ट टू राइट जाओ, तो पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसकी तो देखो प्रायोरिटी हम लोग की हाई है कम, तो इसको भी नहीं छुएंगे, यहाँ से जाएंगे लेफ्ट टू राइट इस जगह से। तो भैया पहले 3/3 को सॉल्व किया तो 1 आया, फिर 1 और 2 का गुणा कराया तो 2 आया, फिर 2 और 4 को हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया तो 6 आ गया। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर करके देख लेते हैं और उसके बाद आपसे विराम लेते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग पहला वाला क्वेश्चन जो है उसको लिखते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन हमारा है 6 × 3। देखो मेरे पास लिखे रहते हैं, आप ये ना सोचें इनको याद रहता है, हम भी इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं, पर मेरे पास सारे क्वेश्चन लिखे रहते हैं जो आपको पढ़ाने हैं। 6 × 3 - 3 और इंटू 2। ठीक है, अब मैं इसको रन करना चाहूँगा तो सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। ओके ओके, क्या आया आंसर, 12। क्या हम लोग का आंसर आ रहा था 12? बिल्कुल आ रहा था। ठीक है, तो आप कंपाइलर से अपने क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें कॉपी के अंदर, देन आप उसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या था, 6 × 2 था तो भैया 2 कर देते हैं, और डिवाइड था तो भाई डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड किससे करना था, डिवाइड 2 से करना था, तो यहाँ पे इस तरीके कर देते हैं, 2 से डिवाइड करना था और इंटू में 3 करना था। भैया इसको रन करते हैं, रन करने पे क्या आंसर आया, 18 आ गया। क्या हम लोग का 18 आंसर आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए तीसरा और चौथा भी करते हैं। तीसरा चौथा करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्रेशन को लिखते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारी थी यहाँ पे 6, सबसे पहले लिखेंगे 6, फिर मल्टीप्लाई तो गुणे का साइन, उसके बाद में हमारा था ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगाया 3/3 और उसके बाद में हम लोगों को क्या करना था, मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर आते हैं मल्टीप्लाई 2। ये एक्सप्रेशन थी, आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पर 6 × 3/3 × 2, तो यहाँ पर इसको लिख दिया। रन करते हैं, रन करने के लिए कमांड डालेंगे, ओके ओके, तो यहाँ आया 12। क्या हम लोग का आंसर 12 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। या फोर्थ वाली और बची है, फोर्थ वाली भी करके देख लेते हैं। फोर्थ वाली में भी ऐसे ही था, 4 के बाद हम लोग को करना था प्लस, फिर 3/3, फिर मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे क्या रूल उन्होंने किया था, सबसे पहले उन्होंने देखा था प्रेसिडेंस किसकी आई है, तो हमने देखा था कि यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस आई है, तो एसोसिएटिविटी रूल लगाया था, तो हम लोग यहाँ से एसोसिएटिविटी रूल लगा 3/3 से, तो पहले 3/3 को किया तो 1 आ गया, ठीक है, भाग फल, और 2 को उससे गुणा कराया तो 2 × 2 और 4 जुड़ जाएंगे, 6 आंसर आएगा आपका। तो भैया 6 आंसर आ जाना तो आएगा ही, आने वाले को कौन रोक पाया है, ये लो आंसर आपका 6 आ गया। ओके, आप इसका साइन बढ़ा सकते हो, साइज प्लस का आइकन दबाओ कंट्रोल दबा के, तो आपका इस तरीके साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा लेक्चर, और ये लेक्चर अगर आपने नहीं देखा या आधा देखा है, मैं सच बता रहा हूँ पूरी सी प्रोग्रामिंग भर परेशान रहोगे, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये रूल है आपका, एक एसोसिएटिविटी रूल और एक आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल, ये तो दिमाग में होना ही चाहिए। एक बार कहीं और गलती कर देना, पर इनमें गलती ना करना, इनको आप घोट के पी लो। और सिर्फ प्रेसिडेंस इतने ही ऑपरेटर की नहीं होती है, ठीक है, ये आप तो अभी सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पढ़े हो, किसकी पढ़े हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर की, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पढ़े हो। अभी जब और भी ऑपरेटर पढ़ाएंगे, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, तो उनके अंदर भी
प्रेसिडेंस होती है वो मैं आगे आपको समझाते चलूंगा, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ 5 है, ठीक है, ये टॉप पे होते हैं, फिर ये उनके नीचे होते हैं, फिर जब और इनके साथ साथ जुड़ते जाएंगे रिलेटिव लॉजिकल तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी जल्दी से बता दो कमेंट में, पसंद आई हो तो लाइक कर दो जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आपको वीडियो में देखने में जितनी मेहनत लगी है जनाब उससे ज़्यादा हम लोगों की मेहनत लगती है बनाने में प्लस समझाने में, ओके। तो आप प्लीज़ बोर ना होइए क्योंकि पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से लीजिए, एंटरटेनमेंट के हिसाब से जनाब कभी ना लीजिए। अगर जीवन में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही आपको करना है तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आप इतना मान के चले प्रकृति का सिद्धांत यही है कि आप जो टाइम जिस पर देंगे बदले में वही चीज़ आपको मिल जाएगी। ज्ञान में देंगे तो ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से ही धन मिलेगा, और अगर आप हंसी मजाक में देंगे तो आप हंसी मजाक बनकर रह जाएंगे। मैं बाकी आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ जनाब। अगर मान लो वीडियो लंबी होती है तो आप उसको 2 पार्ट में देखें, आधा पार्ट अभी देखें, आधा आप 2 घंटे बाद देख लें, पर उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, ये मेरी तरफ से आपसे एक इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ वीडियो को विराम लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।